या गुड इवनिंग एवरी वन सो अगेन वी आर कनेक्टेड टू डिस्कस अबाउट द निफ्टी टेक्निकल लेवल सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल द डाटा वट वी है डिस्कस्ड यस्टरडे इवनिंग वीडियो सो लेट्स कम ऑन टू दिस हमने कल डिस्कशन किया था कि ओवरऑल द ट्रेंड इज बियर इज सेलोन राइज सो ओवरऑल ट्रेंड जो है मंदा है मार्केट का और सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी रखिए यही हमने कल डिस्कस किया था और अपर साइड पे मैंने जो लेवल डिस्कस किए थे दैट दैट वाज 19640 645 का लेवल और डाउन साइड पे 19500 तो बड़ा कॉन्क्रीटली मैंने ये डाउन साइड का लेवल दिया एंड फॉर्चुनेटली दोनों ही लेवल्स के बीच में मार्केट देखने को मिला फॉर्चुनेटली राइट right? लेकिन नथिंग इज हंड्रेड परसेंट इन दिस मार्केट राइट मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हंड्रेड परसेंट होगा बट पॉइंट इज हम लोग जो ये जो स्टडी हम लोग डे बाय डे एड ऑन कर रहे हैं इससे हम कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे पहुँच जाते हैं सो so मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार ने आज उन्नीस के आसपास का लेवल टेस्ट किया लेट मी शो यू मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप डे चार्ट देखें तो ये डे चार्ट है अगर आप देखें उन्नीस के आसपास जो है मार्केट ओपनिंग हुआ राइट right? और उसके आ उसके बाद नीचे जाके मार्केट जो क्लोजिंग दिया उन्नीस पाँच सौ बाईस का क्लोजिंग दिया और जो आज का डे लो रहा है उन्नीस पाँच सौ दस चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और आ, ये सो हाई उन्नीस पाँच सौ छिहत्तर उन्नीस पाँच सौ आठ का लो सो so, हमने जो लो लेवल कल डिस्कस किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पर टेस्ट होता वो दिखाई दिया हालाँकि मार्केट ने अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग की थी आज करीबन सेवनटी पॉइंट निफ्टी नीचे गिर के खुला था आज उन्नीस पाँच सौ अट्ठाईस पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट ग्यारह अक्टूबर से अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो मार्केट डाउन क्लोज कर रहा है सिवाय एक दिन छोड़ के सतारह अक्टूबर को ऊपर क्लोज किया था मार्केट उसके अलावा हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे वॉल्यूम इंडिकेटर और ओपन इंडस्ट्री इंडिकेटर को लेकर के वॉल्यूम इंडिकेटर भी बहुत ज़्यादा मार्केट के डाउन लेवल को सपोर्ट कर रहे थे बियर ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे थे अभी अगर आप आज का मार्केट देखें तो 53 परसेंट वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुए हैं हालांकि फ़्राइडे को आपको वॉल्यूम्स जो है वो हमेशा डिक्रीज ही देखने को मिलते हैं फ्राइडे को वॉल्यूम्स बहुत ही आ, कम देखने को मिलता है कि इंक्रीज़ होते हैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो तीन परसेंट पोजिशने आज भी लोगों ने डिक्रीज कर ली अपनी कट ऑफ कर ली हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ के रोल ओवर में पोजिशन में गए हो नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल दैट कि ओवरऑल द ट्रेंड इज कंप्लीटली बियरिश अभी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे भी तेजी दिखने का कोई आसार नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट अभी भी बुलिश बना हुआ है 200 सौ ई के ऊपर मार्केट काम कर रहा है राइट सो माए बेस्ट स्ट्रेटेजी इन दिस सीनेरियो सेलोन राइज सेलोन राइज सेलोन राइज देयर इज नथिंग टू सिट सो मेजर सपोर्ट लेवल इज उन्नीस पांच सौ लेकिन अगर मार्केट इसको भी गैप डाउन करके अगले दिन खुला यानी कि मंडे कमिंग मंडे खुला ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर को तो मार्केट जो है वो फिर इस बॉटम लाइन के नीचे जो है एक बार क्लोजिंग दिखा सकता है हो सकता है कि फिर नेक्स्ट टू टू थ्री डेज में कुछ थोड़ा बहुत रिकवरी वहां से देखने को मिला वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगलीफिनेटली राइट सोनाओ अगर हम एफ आई आई का आज का मोमेंटम देखें तो साढ़े चार सौ करोड़ की बाइंग नेट में थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश राइट स्लाइटली पॉजिटिव आई वुड से नॉट बुलिश एंड इफ आई टॉक अबाउट डाउजोन और नेस्डेक की अगर बात करें तो डाउजोन और नेस्टेक दोनों ही डाउन चल रहा है अभी आधा पौना परसेंट लगभग नीचे चल रहा है तो सेंटीमेंट्स जो है वो अभी बेरिश मार्केट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए और अगर आप यूरोपियन बाजार देखें तो यूरोपियन बाजार भी एक डेढ़ परसेंट के लगभग जो है आज नीचे गिर के बंद हुए तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है यहां पे देखने के लिए तो यहां से हम लोगों को ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है कि अभी जो ट्रेंड है वो सैलरा राइज का ट्रेंड है बेरिश मार्केट का ट्रेंड है बाइंग करने का फायदा कम है सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिए कहां पर मिलेगी आपको बेटर क्योंकि हम अगर ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो पैसा कमाने ईजी होगा अदरवाइज अगर हम अपोजिट द ट्रेंड काम करने की कोशिश करेंगे तो पैसा कमाना मुश्किल होगा इंडेक्सिस की बात करें लगभग सारे इंडेक्स नेगेटिव बंद हुए बैंक निफ्टी हालांकि ठीक ठाक सा रहा थोड़ा सा उसके अलावा एच डी एफ सी बैंक टी सी एस महिंद्रा बैंक एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस और नेस्ले ने आज फिर भी ग्रीन में क्लोजिंग किए हैं आई टी सी एल एंड बजाज फाइनेंस एच और एस डाउन क्लोजिंग नेगेटिव क्लोज किया सो प्रॉफिट बुकिंग का कहीं पे भी आपको मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग छोड़िए मत किसी भी स्टॉक में जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट कर रहा है अगर आपको लगता है कि वहां पे उसमें आठ दस परसेंट का रिटर्न मिल रहा है और आपको उससे सेटिस्फेक्शन होती है तो डेफिनेटली आप अपनी सेटिस्फेक्शन कीजिए प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और थोड़ा 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 धीरे धीरे अपने माल को निकालते जाइए सो अगेन कम टू द पॉइंट लॉन्ग टर्म मार्केट बुलिश शॉर्ट टर्म मार्केट इज बियरिश तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट अप अपकमिंग लेवल ऑफ द निफ्टी तो ओवरऑल ट्रेंड अगेन आई वुड से ओवरऑल द ट्रेंड इज राइज का स्ट्रेटेजी रखिए इफ मार्केट ओपन गैप डाउन तो जैसा कि हम लोग हमेशा ही तीन स्निधियों को लेकर बात करते हैं गैप अप गैप डाउन और फ्लैट तो अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है देन हायर लेवल वुड बी एक्सपेक्टेड 19, 570 एंड डाउन साइड उन्नीस एंड इफ़ मार्केट ओपन गैप अप तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है उन्नीस पाँच सौ तीस का क्लोजिंग भी है मार्केट ने तो उन्नीस पाँच सौ साठ हायर साइड पर उन्नीस साढ़े चार सौ डाउन साइड पर तब भी मुझे मंदा लगेगा वहाँ से वो गिरने के चांसेस ही ज़्यादा रहेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या सीनेरियो रह सकता है तो अगेन उन्नीस पाँच सौ साठ उन्नीस साढ़े चार सौ सो ओवरऑल मेरा जो ओपिनियन है निफ्टी को लेकर के वो नेगेटिव ही है मार्केट अगर प्लस में भी खुलता है तब भी जो है वहाँ से सेलिंग आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ऑन राइज का स्ट्रेटजी रखिए बाइंग का अभी अपॉर्चुनिटी कम देखने की कोशिश कीजिए अगर मार्केट ने 100 पॉइंट प्लस निफ्टी खोला तो हो सकता है माइट भी 70 80 पॉइंट अगर बाजार ऊपर खुलता है तो हो सकता है सीनेरियो बाजार में चेंज हो जाए अदरवाइज एज ऑफ नाउ मार्केट इज बेरिश So, this is all about today. Thank you so much. Keep learning, keep watching, and keep sharing your views. Thank you so much. Thank you.